हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आज फिर से एक और नई डिजाइन का लड्डू गोपाल जी के लिए पोंचू बताऊंगी, जो बनाने में बिल्कुल आसान है। जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो कलर लिए हुए हैं और ये तीन प्लाई वाली मैंने, तीन धागों वाली मैंने ऊन ली है, बेबी ऊन है। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो मैं इसी से आपको लड्डू गोपाल जी का पोंचू बताऊंगी। और यहाँ पर हम 10 नंबर सिलाई लिए हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हम काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि मैं 1 नंबर कान्हा जी के लिए बताऊं आपको, तो सबसे पहले हम पोंचू बता रहे हैं आपको। यहाँ पे 1 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने 14 फंदे डाल लिए हैं और मैं ये बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी। फंदे मैंने उसी तरह से डाले हैं जिस तरह से मैं हमेशा डालती हूँ, सिंपल सिंपल इसी तरह से। तो यहाँ पर हमने 14 फंदे डाल लिए हैं 1 नंबर कान्हा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये लड्डू गोपाल जी का पोंचू आपको कैसा लगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम एक सिलाई इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम एक सिलाई इस तरह से यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर कान्हा जी के लिए आपको ये सुंदर सा पोंचू बता रही हूँ, जो बनाने में बिल्कुल इजी है। ये देखिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे हम ये देखिए, फंदे डाल के हमने एक सिलाई बना ली है। इसके बाद हम अपना यहाँ पे येलो कलर लगा देंगे। आप इसमें वाइट भी लगा सकते हैं, या येलो को लगाते हैं तो आप उसमें भी वाइट लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बनाएं। इस तरह से भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। ये देखिए, तो दोनों ही मैंने 3 प्लाई वाली ऊन ली है, ये 3 धागों वाली, धागे को साथ साथ लगा लेंगे। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे उल्टी तरफ से येलो कलर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों कलर से एक एक सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 5 फंदे लास्ट के गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे ये देखिए, 6 फंदे हो चुके हैं। 2 फंदों पे हम इस तरह से जाली बनाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इजी है। ये देखिए, एक जाली बना लिए, वापस धागा अपनी तरफ, दूसरी जाली बना लिए और लास्ट के 6 फंदे हम बुन लेंगे इस तरह से उल्टे उल्टे। दोनों कलर से एक एक सिलाई हम बनाते हुए जाएंगे इसको। तो यहाँ पे अपना वापस ऑरेंज कलर लगा लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए उल्टी सिलाई को बना लेते हैं। आगे हम सीधी सिलाई पे फिर से हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। पहला फंदा उतार लिया है, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पे ये देखिए, 2 और ये 3, 4, 5 और ये 6 और ये देखिए, 7वां फंदा हम बना लेते हैं उल्टा, जो हम बढ़ा चुके हैं, और इसी पे हम जाली बनाएंगे। ये देखिए, दूसरी जाली हम, जो फंदे बढ़ते हुए जाएंगे उनको हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। और ये देखिए, फिर इधर के भी 7 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं। तो 2 जालियां बन चुकी हैं। इसी तरह से हम इसमें 6 जालियां बना के कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। 6 जालियां हम बनाएंगे, हर सिलाई पे हम अपना धागा चेंज करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ईजी है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 जालियाँ हमने बना ली हैं। इसके बाद हम ऑरेंज कलर की, ये देखिए, यहाँ से पहली सिलाई को हम नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 6 जालियाँ बना ली हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 जालियाँ मैंने बना के कंप्लीट कर ली हैं। और ये एक नंबर कान्हा जी के लिए। अब यहाँ पे ये देखिए, हम इस तरह से एक सिलाई और बना लेते हैं। और यहाँ पे जो हम एक सिलाई बना रहे हैं वो हम जाली नहीं डालेंगे, 6 जालियाँ हम डाल चुके हैं, इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर कान्हा जी के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने ये आपको पोंचू बता रही हूँ। तो चलिए हम एक सिलाई ऑरेंज कलर की और बना लेते हैं, ये देखिए, फिर दिखाते हैं आपको। हमने दूसरी सिलाई भी बना ली है, तो टोटल हमने 6 इसमें जालियाँ बनाई हैं और 2 सिलाइयाँ हमने इसी तरह से बना ली हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हैं। ये देखिए, मैं शुरुआत से ही आपको बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए, यहाँ से मैं 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ से मैं फंदे घटाना अपना शुरू करूँगी। तो आप किसी भी तरह से यहाँ पे फंदा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, 2 बार एक फंदे को बना लिए हैं और ये तीसरी बार हम बना रहे हैं, और 2 फंदे हम घटाएंगे। जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह से यहाँ पे फंदा घटा सकते हैं। तो एक बार बनाया, 2 बार बनाया और ये तीसरी बार हमने बना लिया। एक फंदे को 3 बार मैंने बना लिया है और हम चौथी बार 2 फंदे यहाँ पे, ये देखिए, एक फंदा घटाया और ये दूसरी बार फंदा हमने घटा दिया। तो 2 फंदे हमने घटाए, फिर से हम एक बार बनाया, 2 बार बना लिया और ये तीसरी बार, उसके बाद 2 फंदे घटा देते हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा हम इस तरह से ये लेस वगैरह बना रहे हैं, ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदे घटा दिए हैं इस तरह से, ये देखिए। अब इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट भी मैं यहाँ पर बना के कम्प्लीट कर लूँगी और इसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे दूसरा पार्ट भी बनके कंप्लीट है, हमारे ये दोनों पार्ट बन गए हैं। इस तरह से हमने 2 पार्ट बना लेने हैं। अब ये देखिए, हम इस तरह से इनको रख लेंगे। तो यहाँ पे ये हम एक नंबर कान्हा जी के लिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए, मैंने दोनों पार्टों को रख लिया है। अब ये देखिए, मैं इनकी इस तरह से पकड़ते हुए, ये देखिए, यहाँ पे हम, ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। और कोई भी धागा लेके आप इस तरह से इनको सिलाई कर ले, ये देखिए। तो यहाँ पे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको सिल लेंगे, ये देखिए। तो मैं इसको सिलाई कर लेती हूँ, ये देखिए, उल्टी तरफ से दोनों पार्टों को उल्टा कर लिया है और हम इनकी सिलाई कर रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे एक तरफ से सिल लिया है और दूसरी तरफ से भी सिलाई कर लेते हैं, ये देखिए। यहाँ पे नॉट लगा के हम धागे को कट कर देंगे। दोनों तरफ से मैंने इसको सिल लिया है, इसको हम सीधा कर लेते हैं, ये देखिए, इस तरह से काफ़ी सुंदर लग रहा है, बनाने में बिल्कुल आसान है, ये देखिए। तो हम इसको, ये देखिए, इस तरह से सिल लिए हैं, ये देखिए, काफ़ी सुंदर बन गया है और बहुत ही इजी बनाया है। और ये देखिए, जब पहनाने के बाद इस तरह से ये हमारा ये लुक आ जाएगा, ये देखिए, इस तरह से हम इसको पहना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, आप कोई भी कलर का यहाँ पे इस तरह से बटन लगा लें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोई भी कलर का बटन लगा लें, ये देखिए, यहाँ पे येलो कलर का मैंने बटन लिया है और मैं ये देखिए, सुई की मदद से इसको लगा लूँगी इस तरह से, ये देखिए, यहाँ पे हम बटन को लगा लेंगे। और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल आसान है, और पहनाने के बाद इस तरह से इसका लुक आ जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे, इसके साथ की हम आपको कैप भी
बना करके बताएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एक नंबर।